नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन प्राइम न्यूज। हाजी अब्दुल सलीम बने मजलिस हमदर्दाने कौम मेलती सिलावतान समाज अध्यक्ष। मजलिस हमदर्दाने कौम मेलती सिलावतान जोधपुर के हुए चुनाव में हाजी अब्दुल सलीम साहब को अध्यक्ष चुना गया। चुनाव कमेटी चेयरमैन मोहम्मद इसाक सिसोदिया ने बताया कि मदरसा फैज मोहम्मदी हकीम कॉलोनी जोधपुर में मंगलवार बाद नमाज ईसा मजलिस हमदर्दाने कौम मेलती सिलावतान के अध्यक्ष के चुनाव में 23 मेंबरों की बनी कमेटी में हाजी अब्दुल सलीम को अध्यक्ष चुना गया, जिनका इस्तकबाल कर प्रोफेसर अब्दुल ही साहब द्वारा कमेटी को शपथ दिलाई गई तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। अब्दुल समद रही ने बताया कि 3 मार्च को आम चुनाव में 39 उम्मीदवारों ने चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाई, जिसमें से 23 मेंबर चुने गए। कुल 1028 लोगों ने अपना मत का उपयोग किया। रात भर चली वोटों की गिनती। बड़ी टीवी स्क्रीन पर देखने के लिए जनसैलाब रात भर तक जमा रहा। चुनाव कमेटी द्वारा निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सकुशल चुनाव संपन्न कराए जाने में अपनी महती भूमिका निभाई। हाजी अब्दुल सलीम आम चुनाव में 544 वोट प्राप्त कर शिखर पर रहे। वहीं अब्दुल वाहिद उर्फ बाबू 532 वोट प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहे। शपथ ग्रहण समारोह में समाज बंधुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इसी तरह पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ सब्सक्राइब का बटन दबाकर